चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज उकलाना की एफसी कॉलोनी व रामनगर में कॉलोनी वासियों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और राज्य मंत्री अनूप धन का यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। एफसी कॉलोनी के जो मतदाता है उन्होंने इकट्ठा होकर राज्य मंत्री अनूप धन को अपना समर्थन देने की घोषणा की और कहा कि वह तन मन धन से उनके साथ हैं और महेंद्र सोनी को इस कॉलोनी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इसके साथ ही राज्य मंत्री उसके बाद रामनगर में पहुंचे, जहां पर रामनगर के कॉलोनी वासियों ने उनका स्वागत किया और भरोसा दिलाया कि रामनगर में महेंद्र सोनी की एक तरफा जीत होगी और पूरी कॉलोनी उनके साथ है। उन्होंने कहा कि महेंद्र सोनी एक साफ छवि के व्यक्ति हैं और उनके सुख दुख में साथ रहे हैं, इसलिए वह उनका साथ देने जा रहे हैं। राज्य मंत्री अनूप धानक ने इसके लिए उनका आभार भी जताया। जो चुनाव होने जा रहा है उसका सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। हमारे साथी भिवानी से भी टीम लेकर के आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं और स्वागत भी करता हूं कि जो हमारे साथी आज जो इस इलेक्शन में जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सांझे उम्मीदवार भाई महेंद्र सिंह सोनी जी के लिए वोट मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए, सहयोग समर्थन मांगने के लिए आज आपके बीच में आए हैं, मैं तो आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सांझे उम्मीदवार भाई महेंद्र सोनी जी हैं वो एक मध्यम परिवार से हैं और हमारे जैसे परिवार से हैं और हमारे जैसे परिवार का आदमी हमारी दुख तकलीफ को समझ सकता है और महेंद्र सोनी के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सारा शहर जानता है उसकी छवि किस प्रकार की है। तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो आज हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो विकास कार्य हो रहे हैं, उन विकास कार्यों को और तेज गति देने के लिए आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि एक एक वोट भाई महेंद्र सोनी के पक्ष में डाल करके चाबी का जो हमारा चुनाव चिन्ह है चाबी के निशान पर बटन दबा करके काम समझे तो आधी रात को भी मुझे याद कर सकते हो आप। मैं तो दोबारा यही प्रार्थना करूँगा।